वीडियो में हम गणपति जी की लाइफ को मैप के थ्रू जानेंगे। तिब्बत में पड़ने वाले कैलाश पर्वत में गणेश जी को माता पार्वती द्वारा उत्पन्न किया गया था। यहीं पर शिव भगवान ने गुस्से में गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था, पर बाद में एक हाथी का सर लगा दिया था। गणेश जी का ज्यादातर बचपन कैलाश पर्वत और बाकी हिमालयाज में बीतता है। एक बार की बात है, रावण की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान के रूप में आत्मलिंग दिया। इस आत्मलिंग का रावण गलत इस्तेमाल न करे, इसीलिए श्रीलंका वापस पहुंचने से पहले ही गणेश जी रावण को कर्नाटका में पड़ने वाले गोकर्ण गांव में रोक लेते हैं और धोखे से रावण से आत्मलिंग लेकर वहीं स्थापित कर देते हैं। गोकर्ण का महाबलेश्वर टेम्पल इसी जगह स्थित है। गणेश जी इसके बाद वापस कैलाश पर्वत आ जाते हैं। यहाँ पर एक बार गणेश जी का परशुराम जी के साथ युद्ध हो गया, जिसमें गणेश जी का एक दांत टूट गया, इसीलिए उन्हें एकदंत के नाम से भी जाना जाता है। फिर महाभारत के युद्ध के बाद गणेश जी उत्तराखंड में सरस्वती नदी के पास बसे मान गांव पहुंचते हैं। यहीं पर गणेश जी ने ऋषि वेदव्यास से सुन सुनकर 10 दिन तक लगातार महाभारत को लिखा था। लिखते लिखते 10 दिन बाद गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ गया, तो ऋषि वेदव्यास ने गणेश जी को पास की ही सरस्वती नदी में डुबकी लगवाई। इसीलिए आज भी गणेश पूजा के 10वें दिन गणेश जी को पानी में विसर्जित किया जाता है। बोलो गणपति बप्पा मोरया।